आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा क्या ऑप्शन मेरे पास हैं। और वो माउथ वाटरिंग किस्म के ऑप्शन हैं, अच्छी टू साइड ओपन कॉर्नर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी। रेट बढ़ा दिए हैं अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी ने आज फिर। एक दफ़ा पहले भी बिल्डर अपना रेट बढ़ा चुका है और वो फ़ायदा ऑब्वियसली बिल्डर को नहीं, क्लाइंट्स को होता है। जितने भी लोगों ने मुझसे अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर शॉप्स या अपार्टमेंट ख़रीदे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज़ एक दफ़ा पहले रेट बढ़ चुका है और अब दोबारा रेट बढ़ा दिया है बिल्डर ने। और जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट थे जो प्लान कर रहे थे अबुल कासिम मॉल में कैश पे कुछ लेने का, कोई शॉप, कोई अपार्टमेंट या फिर मर्जिंग करवाने का, तो वो लेट हो गए हैं। अब उनको नए रेट पे लेनी पड़ेगी चीज़। 2-2 हज़ार रुपये रेट बढ़ा है चारों फ्लोर्स पे। पिछली दफ़ा ग्राउंड फ्लोर का रेट नहीं बढ़ा था, 35 हज़ार का 35 हज़ार ही था, लेकिन इस दफ़ा ग्राउंड फ्लोर का रेट भी बढ़ गया है। तो अब ये मैं आपको मैप्स दिखाता हूँ, ये मैप्स देखिए, ये जो मैं आपको चारों मैप्स दिखाने लगा हूँ, इसमें ऑब्वियसली जो जानते हैं उनको मालूम है कि जो रंग फिर आए जिन पे मार्कर लगे हुए हैं वो चीज़ें बिक चुकी हैं। और ज़रा देखिए अभी मैं आपको मैप दिखा रहा, किस तरह से हर चीज़ बिक चुकी है, हर अच्छी चीज़, जो भी लोकेशन की दुकान थी ये देखें सब बिक गया है, कुछ बचा नहीं है। अब वो शॉप्स रह गई हैं जो पहले कोई लेता नहीं था, अब उसको कंसिडर करता है कि हाँ दे मस्ट बी समथिंग गुड, दे मस्ट बी समथिंग बेनिफिशरी इन इट। जो लोग धड़ाधड़ इसको ख़रीदते जा रहे हैं, काम चल रहा है बहुत स्पीड से और 1-2 महीने की जो डेवलपमेंट है वो खासी दीदनी है। एनीवेज मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, स्टिल अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मर्जिंग पर नहीं, कैश पर, कैश पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं। और वो माउथ वाटरिंग किस्म के ऑप्शन हैं, अच्छी टू साइड ओपन कॉर्नर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं मेरे पास। तो डू लेट मी नो, मेरा नंबर मौजूद है, कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।